छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। क्या नसीब है हमारे यार, जिंदगी सफाई में गुजर जाएगी भैया। तो ओ भाई, इतनी तवज्जो से अखबार पढ़ा जा रहा है, क्या तेरे अब्बा के गिरफ्तार होने की खबर आई है इसमें? कैसी बातें कर रहे ससुर जी आप? अबे तेरा और अखबार का क्या काम, दूर दूर तक तेरा कोई ताल्लुक नहीं है अखबार से। अबे ऐसा क्या आ गया अखबार में ससुर जी, पैसे कमाने का तरीका? ओ भाई नहीं चाहिए ऐसे पैसे भाई। अरे ससुर जी आप मेरी बात सुन तो ले। अरे नहीं सुनना, नहीं सुनना। अरे अच्छा ठीक है, मत सुने मेरी बात, ये ले आप खुद देख ले। देखिए बिजली चोरी की शनाख्त करवाएं और हर एक सही इत्तला पर इनाम पाएं। अबे इसमें पैसा कमाने का तरीका कहाँ लिखा है? सुजी शिकायत करके। तो तुम्हें कैसे पता कि किस किस घर में चोरी हो रही है, किस घर में नहीं हो रही है? यही तो गेम है सारी। अबे ओ भाई ओ लड्डू, घर घर जाके ख्वारी करने से बेहतर है कि इसी जेल में पड़े रहो। अरे ससुर जी यही तो तरकीब आई है मेरे दिमाग में। अच्छा क्या है तरकीब? सबसे पहले ना हम मोहल्ले वालों से बिजली का कुंडा लगवाने के पैसे पकड़ेंगे। अच्छा फिर? और फिर हम ही कॉल करके उनकी शिकायत कर देंगे। अरे वाह लड्डू वाह, अब क्या जालिम दिमाग चलाया है यार तूने। बस ससुर जी मैंने कभी गुरूर नहीं किया। अब देख ले यार कहीं फंस ना जाए यार। अरे ससुर जी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे हम? हमने कोई खुद से जाके थोड़ी कुंडे डालने, इस काम के लिए हम बंदा रखेंगे। देख ले यार लड्डू, पहले भी तूने ये बिजली का काम किया था और हम बड़े बुरे फंसे थे। अरे ससुर जी मैं कह रहा हूँ ना, अब सोचना कुछ नहीं है, बस करना है, और इस मरतबा मेरे दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आई है। अबे यार अगर ये काम हो गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। चल ठीक है यार, ठीक है अल्लाह मालिक है। चले चले काम खत्म करें जल्दी से। चलो भैया नया आइडिया। गुलाम, अरे भाई चाय बना रहे हैं या पाए? ना ये पाए हैं ना कुछ और, ये है चाय। शुक्र है ले आए चाय। वैसे आज खाने में कुछ नहीं बनेगा क्या? बेगम ये आपने क्यों कहा? भाई इसलिए कि अभी तक तो कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। बेगम आज शाम का खाना बाजार से आएगा। बाजार से मंगवाएंगे? किस खुशी में? जरूरी थोड़ी है कि किसी खुशी और गम में खाना बाहर से आए। बस बस रहने दे, कोई बाजार बाजार से खाना नहीं आएगा, मेरे पास फालतू पैसे थोड़े हैं। अरे तो आपसे कौन मांग रहा है पैसे? अच्छा भाई अगर मुझसे पैसे नहीं लेंगे तो क्या भीख मांग के लाएंगे बाहर से खाना? देखें बेगम आप गुलाम को हल्का ले रही हैं। इसमें कुछ शक है क्या? अच्छा बेगम आप पैसे मत दें, इजाजत दे दें बस। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर एक बात याद रखिएगा, खाना वक्त पर मिले और अच्छा होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी। चलें ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर शाम को हो रही है मुलाकात है? क्यों कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं ऐसे ही जरा बाहर बस। अच्छा अच्छा ठीक है जाएं जाएं। मजा आ गया भाई, क्या सुकून है यार यहाँ पर तो। तो किसको मिला रहा है कान? अरे ससुर जी उसी को जिसने आके कुंडे डालने। ओह तो भाई बड़ी अहम बात है भाई, करो करो। मगर ससुर जी उसका नंबर ही नहीं लग रहा यार। लग जाएगा यार, वैसे आज मैंने काम से छुट्टी कर ली है। तो क्यों? मैंने कह दिया खाना आज बाहर से आएगा। मगर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अभी जो पैसे पैदा करेंगे हम उससे मंगाएंगे। ससुर जी आप कमाल करते हैं, अभी काम शुरू हुआ नहीं है और खर्चा आपने पा लिया, मतलब मुर्गी भी दाना खा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि अंडे का ऑमलेट बनाना है या हाफ फ्राई, यार कमाल करते हो यार। लड्डू बात सुनो यार, क्या हम लोग फायदा ना उठाएं यार? उठाते हैं ना फायदा उठाते हैं। अरे लगी कॉल, लगी। बात कर। हेलो, हाँ जमा नहीं? हाँ जमा नहीं, कहाँ हैं आप? अरे यार कब तक आएंगे? हाँ
हाँ फिक्र ना करें, एक घंटे में ठीक है। हाँ हाँ पैसे तैयार हैं, पैसे तैयार हैं। हाँ ओके अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ क्या हुआ? अरे आ रहे हैं एक घंटे में। हाँ एक घंटे में आ रहे हैं। अब क्या करें हम? अब सबसे पहले हमें काम करना होगा कि हमें गली में जाना होगा और सारे घरों से कुंडे के पैसे निकलवाने होंगे। आप जाएंगे गली के सीधी तरफ और मैं जाऊंगा गली की उल्टी तरफ। यानी मैं इधर का एरिया कवर करूं, तुम उधर का एरिया कवर। हाँ तो चलो चलो आ जाओ। अब इधर आ जाओ। देखिए आप, मैं कितना पैसा बनाता हूँ, मैं अमीर लखपति आदमी। अरे 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 क्या हो गया, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अबे लड्डू यार गर्मी से मर गए हैं यार। अबे गर्मी कहाँ हो रही है यार, अबे मौसम कितना अच्छा हो रहा है भैया, ये देखो। हैं आपको गर्मी नहीं लग रही? कहाँ से लगेगी हम लोगों को गर्मी, 24 घंटे एसी में बैठने वाले लोग हैं हम लोग। हाँ 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 यार ये तो मैं भूल ही गया यार। हाँ क्या मजा आता है भाई एसी। क्या खुशकिस्मत इंसान है भाई, आपको एसी चलाना नसीब तो हुआ। क्यों तुम लोग के घर में भी तो एसी है ना? है तो, लेकिन भाई बिजली का बिल कौन देगा? वैसे ही बिल बहुत आता है, एसी चला लिया तो सारा पैसा बिल में चला जाएगा। ये भी कोई परेशानी की बात है लड्डू, बता जरा। अंकल क्या मतलब? मतलब कि इसका हल मौजूद है। हल? क्या हल है भाई? कुंडा, बिजली का कुंडा। आगे समझ में बताऊं? कुंडा। अरे नहीं भाई, एक तो ये जुर्म है और ये काम करेगा कौन? अरे हमारा बंदा करेगा भाई, लेकिन तुम लोग डरना नहीं इससे। अगर किसी ने कुंडा लगाते हुए देख लिया और शिकायत कर दी फिर? अरे कोई नहीं देखेगा यार। आ? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम सब लोग कुंडा लगवा लो और ऐसे लगवाओ कि कोई भी ना देखे, ताकि वो खतरा ही ना रहे। अरे ससुर जी लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है, चले हम लोग चल के आराम से एसी में बैठेंगे, आ जाओ। रुको। हाँ बोलो। हम तैयार हैं, लेकिन लड्डू कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे हमने भी करवाया है भाई, आज तक तुम लोगों को मालूम हुआ नहीं ना? अच्छा फिर ठीक है, अब ये बताओ होगा कैसे? हाँ ये हुई ना काम की बात, पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे लड्डू यार? फी घर 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 तो बहुत ज्यादा है लड्डू। बहुत ज्यादा है? तो एसी भी तो चलाओगे रात दिन 24 घंटे। ये बात भी सही है। अब बात सुनो मेरी। अब हम जा रहे हैं अपने घर, आराम से जाके एसी में बैठेंगे। अगर तुम लोगों को ये काम करवाना हो, आधे घंटे में 10,000 रुपए लेकर घर पर आ जाना, वरना चलो ससुर जी। हाँ लगा देना, देर ना करना वरना 6 महीने बाद नंबर आया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको जहमत दी जनाब जी। मेरा नाम गुलाम। आ जाएगा जल्दी आइएगा वरना फिर नंबर नहीं मिलेगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम लोग? हाँ बस ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, बारी आ रहा हूँ। ओके ओके। कहाँ चले तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त है ना उनके पास जा रहा हूँ। क्यों घर में आज कोई काम वाम नहीं है क्या? आज घर का जो खाना है ना वो बाहर से आएगा। ऐसा क्यों, किस खुशी में? ऐसे ही बस। अच्छा तुम्हारा कब से बस चलने लग गया? हाँ अगर मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगी वो। मैं आपको बता दूं, मम्मी जी की ना ससुर जी से बात हो गई है। हाँ अच्छा फिर सही है। अच्छा सुनो लड्डू, तुम ना आते वक्त ना मेरे लिए बिरयानी लेके आ जाना। और कोई हुक्म? नहीं लेकिन जल्दी आना, ऐसा ना हो कि तुम आधी रात मेरे लिए खाना लेके आ रहे हो और मैं सो चुके हो। अब फिक्र ही ना करें, जैसे ही काम हो जाएगा ना मैं फौरन लेकर आ जाऊंगा। एक मिनट, कौन सा काम? मेरा मतलब बिरयानी वाला, जैसे बिरयानी बनाना शुरू करेगा ना मैं बिरयानी लेकर आ जाऊंगा। अरे वैसे भी ना करना, मतलब सही से पकने देना। और सुनो लड्डू साथ में ना कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। ठीक है बिल्कुल ले आऊंगा, मगर अब मैं जाऊँ? अच्छा जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, अगर कोई काम हो तो मुझे मिस कॉल देना, मैं बाहर ही। बस जल्दी आना, बहुत जोर की भूख लग रही है। अच्छा ठीक हो गया, जल्दी आना, आज बिरयानी खाऊंगी। ओरी तेरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अबे इतने सारे एसी के मारे में। अबे लड्डू आ जा बाहर, आ जा बाहर, आ जा। क्या हो गया? लो बारी बारी एक एक करके आ जाओ भाई, मेरा काम तो हो जाएगा ना यार। फिक्र नहीं कर, सबसे पहले तेरा काम होगा। भाग गया।
आ जा। चलो चलो चलो, डबल एसी लगनी चाहिए। डबल एसी होगी, डबल एसी लगाऊंगा। तू फिक्र ही नहीं कर, एक एक करके मैं सबके घर आऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। हाँ हाँ भाई, तेरे यहाँ भी एसी लगेगा। हाँ हो जाएगा। अरे भाई तू भी एसी लगवा रहा है अब तो। आता हूँ अभी। देखो तो सही पैसे। ते पैसे तबीयत से आ गए भैया। अबे तू उसको फोन तो कर, बिजली वाले को, कंडे वाले को यार। अरे पैसे तो गिन लूं, एक मिनट यार, करता हूँ फोन अंदर जल के। बहुत दिनों बाद देखे यार पैसे इतने। अब चल किसको फोन के बात करते हैं। अच्छा तो आप वही हैं जिससे मेरी बात हुई थी। जी, 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 जी। हाँ भाई मैं वही हूँ भाई। आप इतना कुंडा कहाँ लगाना है? इससे पहले कि आपको कुंडा लगाना है, मुझे आपको कुछ बताना है। तुमने काम खुद पकड़ा हुआ है? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। ओ फिर तो मैं पैसे ज्यादा लूंगा भाई। पैसे ज्यादा लोग लगे क्या बात यार? हाँ हाँ भाई, तुम खाओ खा के पैसे मांग रहे हो इतने सारे, तो मैं जायज पैसे भी ले लूं तुमसे। लेकिन ये तो हमारे शातिर दिमाग की बात थी ना। ओ ये शातिर जाकिर वाकिर ये सब छोड़ दो भाई, मानने तो बताओ वरना मैं चला। रुको तो सही भाई, क्या करूँ भाई मैं? देखो भाई हमें राजी हैं, हम जो तुम कह रहे हो वो हम राजी हैं, लेकिन जरा बस है। अरे क्या मसला होगा भाई? मसला ये कि एकदम देख के न ले यार। अरे कमाल की बात करते हैं, जहाँ मैं काम करूँगा वो लोग तो मुझे देखेंगे, फिर ठीक है ना, आप लोग मुझे देखेंगे, फिर आप लोग जो उनसे पैसे लेंगे वो पैसे मैं देखूंगा, फिर वो पैसे जो आप मुझे देंगे वो पैसे मैं देखूंगा, फिर जहाँ लोग काम हम काम करेंगे वो लोग आपको पैसे देंगे वो काम भी, वो पैसे भी मैं देखूंगा। ओ भाई मेरे देखे दिखाए बगैर काम कैसे होगा? एक मिनट भाई, गलती हो गई, हमने सवाल डाल दिया। ओ भाई आपको पता नहीं मेरे ताल्लुक है ना वो। बस बस बस, ज्यादा कहानी नहीं भैया। हाँ काम करो, चलो काम करो, कहानियाँ शुरू हो जाती है। मैं अजीब सी बात है यार। अरे लड्डू मियाँ, अरे कहाँ है गुलाम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे प्यारे मियाँ आप यहाँ, खैर तो है ना? कहाँ है ये गुलाम भाई और लड्डू मियाँ? वो लोग ना बाहर गए किसी काम से। बहुत अच्छे, मुझे सब पता है क्या काम चल रहा है इस घर में। क्या काम चल रहा है? यही कि सब घरों में कुंडे लगवा रहे और मुझे पूछा तक नहीं। क्या हो गया प्यारे मियाँ, आपको ना गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, अरे पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है और आप लोग अनजान बन रहे हैं। अरे प्यारे भाई, मेरा ख्याल है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई प्यारे भैया, सब मालूमात करके आ रहे हैं। ये लोग एक घर में कुंडा लगाने के 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? अरे भाई मैं चाहता हूँ मेरे घर में भी कुंडा लगे, मुझे भी गर्मी लगती है। अच्छा तो आप ये सिफारिश लेकर आए हमारे घर में? अरे हाँ भाई हाँ बिल्कुल। अरे भाई मोहल्लेदार हूँ, इतना हक तो है ना मेरा। शर्म नहीं आती आपको प्यारे मियाँ चोरी करते हुए? वाह भाई वाह, अरे खुद के घर में चोर बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है और हमें चोर बोल रही है। देखें प्यारे मियाँ, हमसे ना बहस मत कीजिए और जाइए यहाँ से। अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा प्यारे मियाँ अभी तो आप जाए, मैं लड्डू और गुलाम से बात करके ना उन्हें भेजूंगी आपके पास। पक्की बात है? मैं बेफिक्र हो जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं अभी। ले जी हो गया प्यारे मियां, तुम्हारा काम भी हो गया। मामा देखा आपने ये दोनों क्या करते फिर रहे बाहर? हाँ हनी आने दो आज इनको, अच्छी तरह खबर लूंगी मैं इन दोनों की। हद हो गई, सारे मोहल्ले में बेइज्जत करवा के रख दिया। अबे यार, अबे लड्डू बहुत थक गया आज मैं यार। लेकिन ससुर जी कमाई भी तो खूब हो गई। कमाई कमाई भी याद आया भाई, मेरे हिस्से के पैसे लाओ। अरे ससुर जी सबर सबर रखें, सबर अबर नहीं होता इन मामलात में भाई, मेरे हिस्से के पैसे लाओ यार। यार आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे बड़ी मेहनत की कमाई है। तो मेहनत की नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत की तो है ना। अच्छा कहाँ गए थे आप लोग? आप लोगों को पता है घर में प्यारे में आए थे और उन्होंने कहा कि अरे शर्म नहीं आती आप दोनों को। लड्डू पापा मतलब हद ही होती है, आप लोगों को क्या जरूरत थी ऐसे काम करने की? वो, मैं बस बस
कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो मम्मी जी गलती हो गई हम लोगों से, माफ कर दें। गलती? लड्डू इसे गलती नहीं बल्कि जुर्म कहते हैं, जुर्म। तो हमें हमारा जुर्म सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। चलो फौरन कुंडे निकलवाओ जाकर। वो कुंडा लगाने वाला तो चला गया। लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं बिजली के दफ्तर में खुद फोन करके इत्तला दे देता हूँ। अरे भाई जो भी करना है ना बस जल्दी करो, है ना। अभी फोन मिलाओ, मेरे सामने फोन मिलाओ। जी जी मम्मी जी दे रहा हूँ, अभी अभी कर देता हूँ। बैल जा रही, बैल जा रही। हाँ बिजली का दफ्तर। हाँ जी एक इत्तला देनी थी आपको। हाँ जी चलो ठीक है, खत्म करो इस मामले को, आओ ठीक है। जी आपकी खबर आई थी अखबार के अंदर, जी कुंडा पकड़वाने वालों। जी 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 मैं आपका प्यारा लड्डू बात कर रहा हूँ, इसी बारे में बताना था। जी शुक्रिया। अबे यार शुरू शुरू में तो मैं डर गया कि ये क्या बता रहा है भाई, बाद में ख्याल है अब ये काम हम इसीलिए तो कर रहे हैं। ससुर जी मतलब आप इंतजार करें इनाम की रकम आने दे। बस ये काम हो जाए। हो जाएगा हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। सफाइयां 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 सफाइयां। ये देखो कितनी धूल है यार, ये आती कहां से धूल यार, हम लोग फंस जाते हैं यार। अबे बाहर पुलिस आई हुई है, कोई गड़बड़ है क्या? क्या हो गया सुसर जी? ये टंगे टंगे हमें क्यों टांगने के चक्कर में हो भाई, ये क्यों शक फैला रहे हैं सुसर जी आप, क्या हो गया? अबे रंग का अंधा तो तू है ही, अकल का और आंख का भी अंधा है। बता रहा हूँ, जो बताओ वो मान भी लूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, है? बताना तू नहीं है क्योंकि मैं तो टंगा हुआ। हाँ ये तो है यार, मैं ही बताता हूँ सबको। हाँ अबे हमने तो बिजली वाले को बुलाया था, तू क्यों आ गया? तो मैं बिजली वाला ही हूँ। अब आया हमने शिकायत कर दी है भाई, जाओ तुम यहाँ से अभी। भाई आपने शिकायत की थी, मैं उसी वाले से यहाँ पे आया हूँ। अब मतलब चोर भी तुम हो पुलिस भी तुम हो, खुद ही टकरा टकरा के खेल रहे हो। बकवास बंद करें, तमीज से बात करें आप, चोर के सुन कह रहे हो? बहुत अच्छे भाई, अब देखो जरा कैसे शरीफ बन रहे हैं। बकवास बनकर बताऊं तुम्हें क्या? अभी बता बता क्या बताएगा, बता 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 बोल। क्योंकि लोगों से पैसे लगे उनके घर पे कुंडा लगवाना जुर्म है। तो कुंडा लगवाया किसने? फिर बकवास शुरू कर दी, बताऊं क्या अभी तुम्हें? अभी बताता हूं, ठहरो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई जान। ओए नहीं प्यारे मियां नाम है। हां चलो जो प्यारे वाले जो भी है चलो, मेरी बात तुम्हें इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कराई थी ना? हां जी मैंने की थी शिकायत। हाँ तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ दिखाओ। हाँ बताओ बताओ है? है सबूत? मुझे पता था तुम लोग इसी किस्म की बातें करोगे। सबूत साथ रखता हूँ। ये देखो भाई, देख रहे हो ये है? दिखाओ उनको। हाँ ये देखो ये। हाँ अच्छा और तो कोई नहीं इसमें? भाई था, मैंने डिलीट कर दिया मैंने। वेरी गुड एक्सीलेंट, तुम्हारे इनाम का पैसा तुम तक पहुंच जाएगा। इनाम पैसा? हाँ इनाम पैसा, और करो होशियारी। जा रहे प्यारे मियाँ, तुम जानो ये जाने। जा 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 देख लूंगा। अच्छा भाई हम भी चलते हैं, खुदा हाफिज़। अरे कहाँ चले, पकड़ो इनको। पप्पा जी अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं लड्डू तुम्हें तो पता ही नहीं है, पप्पा जान ना बहुत बड़े साइंसदान बन गए और बड़े बड़े तजुर्बे कर रहे हैं। अरे डरो नहीं, तुम्हें भी कुछ बनना है क्या? नहीं अच्छा ठीक है मैं फिर आऊंगी, चलती हूँ। पप्पा जान आप मुझे भी जादू सिखाइए ना। पर मैं जादूगर नहीं हूँ, साइंसदान हूँ। अरे लड्डू क्या कर रहे हो? कहीं से उल्लू का खून लेकर आओ। उल्लू का खून? एक उल्लू का खून नहीं मिल रहा। अरे मम्मी जी दिन में उल्लू नहीं मिल रहा, उल्लू का खून कहाँ से मिलेगा? उल्लू का खून? हाँ हो जाएगा, बस आप 10,000 का बंदोबस्त कर ले आप। छोटे
मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।